हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइस, स्टेट ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ कि जो स्टेट ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है किस स्टेट के लिए हुआ है और क्या हुआ है। तो गाइस, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। क्योंकि अगर एक छोटे से भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होती है तो आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखिए गाइस, हम बात करते हैं नीट यूजी 2022 स्टेट ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। नीट यूजी एग्ज़ाम के थ्रू जिन कोर्सेज में एडमिशन होता है, लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुष कोर्सेज, आयुष कोर्सेज में बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस, ये सब कोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, तो गाइस सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, ये है हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। क्या दिया है इसके अंदर? इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हरियाणा इन द बिजनेस ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट एलोकेशन रूल्स 1974। ठीक है, तो क्या दिया गया है इसमें? कुछ नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, वही हम देख लेते हैं। इट इज़ इंटीमेट दैट दिस डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट ऑल इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी बी ट्रांसफर्ड टू द डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हरियाणा। ठीक है, आयुष कोर्सेज की जो यूनिवर्सिटी है ये क्रूजोत्रा के अंदर श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, ये अब ट्रांसफ़र की जा रही है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दिया है, ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू आयुष एजुकेशन बी डील बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हरियाणा। अब जो आयुष कोर्सेज होंगे उनके सभी मैटर्स का जो भी ध्यान रखा जाएगा एजुकेशन को लेकर, वो सब अब से गैस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट रखेगा। ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर दिया है, अकॉर्डिंग द वर्क विच इज़ प्रेजेंटली स्प्लिट बिटवीन डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष बी स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी आप लोगों के लिए। अगर आप आयुष कोर्सेस करते हैं तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये बहुत पहले आपका पास हो चुका था, लेकिन जो हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अभी डाला गया है तो आप देख सकते हैं। अगर आप आयुष कोर्सेज करेंगे तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये। ठीक है, क्योंकि एक ही उसमें आपको नहीं रहना है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपको अप्लाई करना है आयुष कोर्सेज के लिए, वही कोर्सेज करवाती है आपको, ऐसे नहीं करना है। अब ये है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, यही आपका कंडक्ट करवाएगा। हो सकता है इसकी जो आयुष की काउंसलिंग है ऑफिशियल वेबसाइट वो भी चेंज हो जाए, तो उससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ होता है तो भी एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जारी की जाएगी, नोटिस आएगा या नोटिफिकेशन आएगा, तो जैसे ही आता है आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।